दोस्तों पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को मसलने के लिए एमएस धोनी ने खूंखार प्लेइंग 11 करी घोषित। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आपको हम इसी वीडियो में बताएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली वनडे और T20 सीरीज की सारी जानकारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप भी एमएस धोनी को शानदार प्लेयर और कप्तान मानते थे, वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। दोस्तों इस बार का वर्ल्ड कप भारत में ही खेला जाना है, इसलिए वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए बीसीसीआई ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज आयोजित करवाई है, जिससे भारतीय खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए पुख्ता अभ्यास मिल सके, जिससे भारतीय खिलाड़ी होने वाले वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन कर सकें और भारत को 12 साल बाद वर्ल्ड कप जिताएं। दोस्तों भारत ने पिछला वर्ल्ड कप एमएस धोनी की कप्तानी में 2011 में जीता था, इसलिए दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते और भारत को वर्ल्ड कप जिताने के लिए पूरे जोर शोर से टीम के साथ मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज के 3 वनडे मुकाबले भारतीय टाइम अनुसार 2:30 बजे शुरू होंगे। दोस्तों बात करें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे मुकाबले की, तो यह कल पंजाब के मोहाली स्टेडियम में भारतीय टाइम अनुसार 1:30 बजे खेला जाएगा। दोस्तों आप इस मुकाबले का लुत्फ टीवी पर स्पोर्ट्स 18 तो वहीं अपने मोबाइल पर जियो सिनेमा पर देख सकेंगे। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया मुकाबले के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मैच जीतने के लिए 11 खूंखार लड़ाकों को घोषित कर दिया है। दोस्तों भारतीय प्लेइंग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले पहले वनडे मुकाबले के लिए इस प्रकार है। तो दोस्तों शुरुआत करें ओपनिंग जोड़ी से, तो यहां पर कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि दोस्तों भारत के दोनों ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और शुभमन गिल ने एशिया कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी भी रहे। दोस्तों शुभमन गिल ने 5 मैचों में 1 शतक और 2 अर्धशतक की सहायता से 69 के औसत से 275 रन बनाए, तो वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने भी 3 अर्धशतक की सहायता से 5 मैचों में 49 की औसत से 194 रन बनाए हैं। तो वहीं दोस्तों नंबर 3 की बात करें विराट कोहली खेलते नजर आएंगे क्योंकि दोस्तों विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार शतक लगाया था और भारत को मुकाबला जितवाया था। तो दोस्तों नंबर 4 की बात करें तो केएल राहुल खेलते नजर आएंगे। दोस्तों केएल राहुल ने भी पाकिस्तान के खिलाफ शानदार शतक लगाकर भारतीय टीम में चोट के बाद शानदार वापसी करी थी। दोस्तों नंबर 5 की बात करें तो वाइस कैप्टन हार्दिक पांडे खेलते नजर आएंगे। दोस्तों हार्दिक पांडे ने एशिया कप में गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया था। तो वहीं बात करें नंबर 6 की तो ईशान किशन खेलते नजर आएंगे। दोस्तों नंबर 7 की बात करें तो रविंद्र जडेजा खेलेंगे। दोस्तों नंबर 8 की बात करें तो अक्षर पटेल इस जगह शार्दुल ठाकुर खेल सकते हैं क्योंकि दोस्तों शार्दुल ठाकुर ने एशिया कप में गेंदबाजी से शानदार प्रदर्शन किया था। तो वहीं दोस्तों नंबर 9 की बात करें तो कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे। दोस्तों क्योंकि कुलदीप यादव ने भी गेंद से शानदार प्रदर्शन किया था एशिया कप में और भारतीय टीम को कई शानदार मुकाबले भी जितवाए थे। दोस्तों नंबर 10 की बात करें तो जसप्रीत बुमराह, तो वहीं नंबर 11 की बात करें तो मोहम्मद सिराज ही खेलते नजर आएंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे मुकाबला जीत पाएगी या नहीं, प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए और साथ में यह भी बताइए कि आपकी प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए क्या होगी। दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और घंटा बजाना बिल्कुल ना भूले और साथ ही मैं क्रिकेट के लिए लेटेस्ट खबरें जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।